2009 के लोकसभा चुनाव के बाद से जिस नतीजे की दरकार उत्तर प्रदेश कांग्रेस को है, वो नतीजे अभी तक हासिल नहीं हो पाए। इस बीच में कांग्रेस ने कई तरीके के प्रयोग किए। उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल हुए तो ढाई दशक से भी ज़्यादा का वक्त हो गया, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव ने कुछ उत्साह ज़रूर भरा था, लेकिन 2014 में मोदी सरकार आई देश पर, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कद बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा, जो अभी तक लगातार कायम है। करीब करीब एक दशक पूरा होने जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी, जिसकी सबसे ज़्यादा सरकार रही उत्तर प्रदेश में, उसने इस बीच में कई तरीके के प्रयोग किए, कई लोगों के हाथ में कमान भी दी। इस बार उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं अजय राय जी, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और 2024 के लोकसभा चुनाव बेहद करीब आ चुके हैं। लेकिन इन सबके बीच एक टेस्ट मैच खेला गया, एक परीक्षण या कह सकते हैं प्रैक्टिस मैच खेला गया घोसी में। घोसी के जो नतीजे सामने आए वो निश्चित तौर पर इंडिया खेमे के लिए एक उत्साहवर्धन का काम कर रहे हैं, लेकिन क्या ये नतीजे काफ़ी हैं? और इन सबके बीच उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं, उसमें क्या भागीदारी होगी कांग्रेस की, क्या आगे की रणनीति है? इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए अजय राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय राय जी वाराणसी से आते हैं और एक लंबा सफ़र उनका रहा है राजनीति में, छात्र संघ की राजनीति से लेकर मुझे जहाँ तक पता है शायद ABBP से शुरू किया था कैरियर, और ABBP से समाजवादी पार्टी और लंबे समय से कांग्रेस में रहे। ये भी कहा गया था कि जब 2004 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी जी आए, तो ये कहा गया कि अगर केजरीवाल बीच में ना होते तो शायद मुकाबला और अच्छा होता, लेकिन खैर वो गुजरे वक्त की बात हो गई। अभी 2024 आ गया है। अजय राय जी, चुनौतियाँ बहुत सारी हैं आपके सामने, तो पहला सवाल वो ये है कि घोसी उपचुनाव के जो नतीजे सामने आए, आपको क्या लगता है कि ये किसी तरीके का संकेत है? क्योंकि इससे पहले भी जो लोकसभा चुनाव हुए, उसमें भी उससे पहले भी उपचुनाव हुए थे, गोरखपुर का अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो बीजेपी वो सीट हार गई थी, लेकिन बाद में आपने देखा किस तरीके से कमबैक किया, 64 सीटें जीत की आई। घोसी के उपचुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं, जो नतीजे सामने आए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब लोग जो जनता की आवाज़ है उसको उठा रहे हैं। आप घोसी का जो परिणाम है वो निश्चित तौर से एक संकेत है कि पूरे प्रदेश का माहौल, पूरे गांव का माहौल, समाज का माहौल बदल रहा है। बदल इसलिए रहा है कि 10 साल जनता ने बड़े संजीदगी के साथ इंतज़ार किया कि अच्छे दिन आएंगे, हमको नौकरियां मिलेंगी, हमें काम मिलेगा, हमें व्यापार मिलेगा, हमारे धंधे चलेंगे, हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेंगी और कानून व्यवस्था बहुत अच्छा हो जाएगा, कानून में एकदम बहुत ही अमन चैन हो जाएगा, जैसा इन्होंने कहा था राम राज आ जाएगा। वो सब चीज़ों पे लोगों को एक अजीब सा धक्का लगा, एक लोगों को परेशान हुए लोग, लेकिन जो हम लोगों ने सोचा था उसके ठीक अपोजिट हो रही है चीज़ें, चाहे काम व्यापार में, चाहे नौकरियों में, चाहे कानून व्यवस्था में, कहीं पर भी आप देखेंगे तो हर जगह लोगों को बड़ा निराशा हुई। इस नाते जो जनता है, पूरी सरकारी तंत्र लग गया, सरकारी मशीनरी लग गई, पुलिस लग गई, बड़े 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 मंत्री डिप्टी CM से लेकर CM तक सब लोग लग गए, उसके बावजूद चुनाव हार गए। तो ये निश्चित तौर से ये बहुत ही मजबूत और बड़ा संदेश है पूरे समाज के लिए, पूरे प्रदेश और देश के लिए। अच्छा, पहली बार ये देखा गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था, देखिए मायावती से जब दलित अलग हुआ तो वो शून्य पे आ गई, वो वोट बैंक बड़ी तादाद में शिफ्ट हुआ था बीजेपी में, ये सिलसिला अभी तक जारी था। पिछले लोकसभा चुनाव की भी हम बात कर लें तो सपा बसपा का गठबंधन था, सपा की अपील पे पिछड़ा वर्ग तो गया मायावती के साथ, 10 सीटें होगी 0 से, लेकिन मायावती की अपील पे दलित तब भी नहीं गया, वो 5-5 पे ही रह गए। ये पहला ऐसा चुनाव जिसमें ये देखा जा रहा है कि दलित भी शिफ्ट हुआ, पिछले वर्ग का भी वोट गया, तो कोई बदलाव का संकेत है? क्योंकि इसमें बहन जी की भूमिका, यानी मायावती जी की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है। उन्होंने कहा था कि नोटा का बटन दबा देना, लेकिन दलित तो शिफ्ट हो गया इंडिया गठबंधन की तरफ। देखिए, आप जब अपने वोटरों को जब अपना अपना केवल एक घर का समझ लेंगे कि नहीं हम जो कहेंगे वो हमारी बातें माने, जनता जागरूक हो चुकी है और उसको जो आवश्यक चीज़ें हैं जीवन जीने के लिए, जीवन चलाने के लिए, उसको उसको मिलना चाहिए।
महंगाई चरम पर है। क्या गरीब आदमी रोटी दावल चावल नहीं खाएगा, क्या सब्जी नहीं खाएगा, टमाटर नहीं खरीदेगा? उसको भी चाहिए, दूध चाहिए उसको, बच्चों की फीस कहाँ से भरेंगे, जो भी चीज़, अस्पताल में इलाज कहाँ से। आयुष्मान कार्ड पूरी तरीके से फ्लॉप है, डॉक्टर वो जाते हैं अस्पताल में, वहाँ से भगा दिया जाता है गरीबों को जिनके आयुष्मान कार्ड भी हैं। तो इससे लोगों को लगा कि नहीं, केवल हमें ठगने के लिए और हमें जो है केवल जो है परेशान करने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो दुखी है। और वोटर किसी का बधुआ मजदूर नहीं होता कि किसी के साथ बंध के रहेगा। आप अगर सही रास्ता दिखाएंगे, सही उसको आप चीज़ें करेंगे, तब तो ठीक है, आपकी बात मानेगा। नहीं आप दिखाएंगे, भाजपा का वोट इस बार भाजपा को छोड़ दिया, ऐसे कोर वोट भाजपा के जो सोचते थे कि मेरे अलावा कहीं नहीं जाएंगे, वहाँ पर उस गांव में बीजेपी बुरी तरीके से हारी है, वहाँ इंडिया गठबंधन को उठ गया है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मजबूती के साथ, और मायावती जी निश्चित तौर से उनके साथ उनका वोट बधा रहा है, पर इस चुनाव में इसलिए कि वो बार बार जब एक चीज़ आप करती रहेंगे तो एक समय आएगा कि आपको लोग छोड़ देंगे। नोटा पर कितना वोट मिला, केवल सत्रह सौ वोट मिला है नोटा को, आप सोचिए। तो आपने कहा नोटा मतलब एक क्या होता है, नकारात्मक राजनीति, नकारात्मकता की राजनीति लोग पसंद नहीं करते, चाहे कोई हो, किसी का वोटर होगा। मैं भी अगर अपने, मैं दिन रात किसी के लिए सेवा कर रहा हूँ, अगर मैं कहूँगा तो शायद मेरी बात नहीं मानेगा कि नहीं ये गलत काम मुझसे करा रहे हैं आप। तो वो नकारात्मक राजनीति जनता पसंद नहीं करती है, चाहे कोई हम हो चाहे कोई किसी दल के नेता हो। अब उसका परिणाम सामने देख लीजिए, घर बैठ जाइए, ये कौन सी राजनीति है? जनता ने ये देखा उनके वोटरों ने कि नहीं, ये सामने चीज़ें दिख रही हैं तो इंडिया गठबंधन के साथ, क्योंकि बाकी हम लोगों ने सबसे पहले कांग्रेस ने सपोर्ट किया, कांग्रेस ने सबसे पहले ताकत दी, उसका सीधे सीधे फायदा जो है वहाँ इंडिया गठबंधन को मिला, इंडिया गठबंधन भारी मतों से जीता चुका। अच्छा, कुर्सी संभालते ही आपने कह दिया था कि हम समर्थन करेंगे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का, बाद में सपा का नहीं रहा, वो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हुआ एक तरीके से। देखिए, ऐसा है कि आज जो समय के हालात हैं, जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ चल रही हैं समाज के अंदर, जिस तरीके से आम आदमी परेशान है, गरीब आदमी परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, और जो मेहनत कश आदमी है, जो रोज़ कुआं खोदता है और रोज़ पानी पीने के लिए अपना काम करता है, वो एकदम दिक्कत में है। चाहे वो बुनकर हो, चाहे वो मतलब एक साधारण एक किसान हो, एक मज़दूर हो। अब मज़दूर की मंडियों में चले जाइए आप, सुबह के समय कभी चले जाइए, पहले मजदूर को तुरंत लोग लेके, आज मजदूर दिन दिन भर इंतजार करता है बेचारा, पानी पी के घर चला जाता है, कोई काम ही नहीं है उसके हाथ में, कहीं मकान बन रहा है, सीमेंट आसमान छू रहा है, लोहा उसके जितने भी उसमें बालू है, लाल बालू सब, घर कहाँ नया मकान बन रहा, आप देखिए कहीं कंस्ट्रक्शन सब अधूरे पड़े हैं। तो वहीं काम वो करते थे, सारी चीज़ें ध्वस्त हो चुकी हैं, और वो आज ये मन बना चुका है कि हमें भारतीय जनता पार्टी से, डबल इंजन की सरकार से मुक्ति चाहिए, मुक्ति का मन बना लिया कि इनको हमें नहीं रहने देना है। अच्छा, बहन जी को आप लोग फिर से आमंत्रित करेंगे, कोशिश करेंगे आप लोग? अब ये देखिए, जन दबाव है, ये जनता का दबाव सामने आ गया, घोसी के चुनाव में परिणाम दिखा दिया। तो अगर वो जन दबाव या अपनी जनता के अगर चीज़ों को न समझ पावे, अपनी जनता के मूड को न समझ पाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय उनके लिए बहुत भारी पड़ेंगे। और निश्चित तौर से आम जनता जो चाहती है, पसंद करती है, आपने कहा नोटा दबाइए, कहाँ दबाया लोगों ने? नेता ने कहा ना कि नोटा दबाना है, आप घर बैठ जाइए, कहाँ देखिए वोट दिया, नोटा भी नहीं दबाया। तो वो आपको खुद सोचना चाहिए कि आम जनता हमारे वोटर हमसे क्या चाहते हैं। अगर उसकी विपरीत आप अगर सोचेंगे तो निश्चित तौर से आपको लोग छोड़ देंगे। नहीं, उनकी शिकायत ये है ना कि आपसे, कि आप भी पूंजीवादी हैं, बीजेपी भी पूंजीवादी है, आपका भी गठबंधन पूंजीवादी है, उनका भी गठबंधन पूंजीवादी है, दलितों की बात करते नहीं, कामगारों की बात करते नहीं, सरकार चाहे आपकी हो गठबंधन की, चाहे उनकी गठबंधन की हो, कौन लोग अमीर हो रहे हैं, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। तो उनका कहना है कि हम क्यों जाएंगे आप लोगों के साथ। आप उठाकर देख लें कांग्रेस का पुराना इतिहास, आप हमेशा गरीबों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है, गरीबों के लिए हमेशा कार्य किया है और उनके साथ हमेशा, कभी भी ये नहीं रहा कि पूंजीवाद की तरफ हम लोग रहे हैं। उठाकर आप देख लें, आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, आज जिस तरीके से अडानी के हाथ में सारी चीज़ें देती चली जा रही हैं, कांग्रेस के समय कोई एक नाम बताते हैं, हम सबके साथ सबको लेकर चलते थे, हम हर वर्ग को लेकर चलते थे। और अगर इंडस्ट्रियलिस्ट भी आए तो इंडस्ट्रियलिस्ट में एक नहीं, कितने इंडस्ट्रियलिस्ट आए, अब दर्जनों आप देख सकते हैं, कई दर्जन सैकड़ों की संख्या होगी। आज किसका नाम आता है, कोई भी एयरपोर्ट किसको जाता है, अडानी को, ट्रेन किसको जाती है, अडानी को, बंदरगाह किसको जाता है, अडानी को। अब उठाकर कोई भी BSNL की कंपनीज को देख लीजिए, कहीं अंबानी को जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें, खाने की जितने सामान हैं, वो जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, सब अडानी जी को जा रही हैं।
तो ये हमारे समय नहीं था कांग्रेस समय, कांग्रेस में हम सबके लिए करते थे, जियो और जीने दो, ये हम उस पर काम करते थे। और भारतीय जनता पार्टी वो पूरी तरीके से दो लोगों के, और मैं ये सीधे कहना चाहूँगा कि जो भ्रष्ट गुजरात के जो ठेकेदार हैं उनके हाथ में पूरे देश का कमान, पूरे देश की पूरी पूंजी उनके हाथ में दे दिया इन्होंने। आप उठा कर देख लें, आज लखनऊ में बरसात हुई है, आज पूरे लखनऊ के अंदर पानी लग गया, इसके पहले ही बरसात हुई। स्मार्ट सिटी लखनऊ, स्मार्ट सिटी का काम कौन कर रहा है? सब गुजरात की कंपनियां हैं, सब गुजरात की भ्रष्ट कंपनी काम कर रही है। टोटल पूरे देश के अंदर जितने भी स्मार्ट सिटी का काम है वो केवल और केवल गुजरात की कंपनी काम कर रही है। क्या हमारे लोग केवल वोट देने के लिए हैं? 80 सीट आपको चाहिए? उत्तर प्रदेश के लोगों को कहीं सम्मान नहीं मिलेगा, कहीं काम नहीं मिलेगा? वोट आपको यूपी के लोगों का चाहिए, सांसद आपसे यूपी से चाहिए, और सारा काम गुजरात की भ्रष्ट कंपनियां करेंगी? ये नहीं उत्तर प्रदेश अब सहेगा, ये आम जनता ये नहीं चाहेगी। अगर हमारे लोगों को काम मिलता तो वहाँ पर यहाँ के लोकल लोग काम करते, बाहर से लोगों को ला के काम कराया जा रहा है, गुजरात के लोगों से लेके काम कराया जा रहा है। देश इतना बड़ा, कोई भी कंपनी कहीं भी जाके काम कर सकती है, तो हमारे यूपी के लोगों को काम कहाँ मिल रहा है? आप उठा कर देख लें, इसके पहले यूपी के लोग काम करते थे, कहीं काम नहीं है, सब गुजरात के लोगों को काम कर दिया ले आके। केवल एकाधिकार, केवल गुजरातीकरण हो रहा है। और ये आप स्मार्ट सिटी जितनी है, गुजरात भी तो इंडिया का ही हिस्सा ना, भारत का इंडिया का हिस्सा है, पर आप हमारा भी तो हिस्सा मिलना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में हमारे उत्तर प्रदेश के लोग गुजरात थोड़ी काम कर रहे हैं जाके। महाराष्ट्र में जब उत्तर भारतीय पीटे के तब आपको तकलीफ हुई थी? बिल्कुल, हमारी बात हमने उठा के हमेशा मदद की है उनकी, उत्तर भारतीयों की हमेशा मदद की है, हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। और आज की स्थिति आपको मैं बता दूं, जो आज का धंधा काम व्यापार चल रहा है वो टोटल एकाधिकार है और सारा काम उनको दिया। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी में आपको कोई ऑडिट नहीं है, स्मार्ट सिटी की कोई ऑडिट नहीं है। अब सारी कंपनी कौन है? सब गुजरात के लोग हैं, चाहे वो लखनऊ में काम हो रहा हो, बनारस में काम हो रहा हो, जो भी स्मार्ट सिटी में इन्होंने काम रखा है वो सब वहाँ की कंपनी गुजरात की। और वो केवल वो कहीं पर भी इसलिए ऑडिट नहीं हो रही है, इसलिए उनको सारा काम दिया जा रहा है। चलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति पर फिर से लौटते हैं। उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, यानी 80 में 80 सीटें जीतना है। अब तक का उनका जो रिकॉर्ड रहा है वो 75 सीट्स का रहा है, पिछली बार 64 थी। इंडिया गठबंधन के बाद आपको लगता है कि जो अखिलेश कहते कि हम 80-80 में रोक देंगे, 80-80 हरा देंगे सीटें, इस आपको लगता है ये संभव है, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है? ये देखिए उसका परिणाम आप सामने देख लें, जहाँ पर भी अभी जब से इंडिया गठबंधन का नाम आया है या जब से इंडिया गठबंधन की चीज़ें आगे बढ़ी हैं उसमें आप उठाकर देख सकते हैं, केवल इंडिया का नाम आने से पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। तमाम तरीके से उसमें नाम हटा देना, इंडिया का भारत ला देना, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना, ये हिंदुस्तान है, इंडिया भारत हम सब लोग उसके नागरिक हैं, उसके हम यहाँ रहने वाले, हमारी मिट्टी है, तो उसमें बंटवारा कर रहे हैं आप। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि 80 के 80 सीट इंडिया गठबंधन में आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े बड़े नेताओं की जमानतें जब्त होंगी, कई भारतीय जनता पार्टी के नेता मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। अच्छा, कितनी सीटें आप लोग डिमांड करेंगे? 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल है, आपके पास सिर्फ एक सीट है, अमेठी सीट आप हार ही चुके हैं, तो ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं इस गठबंधन से कितनी सीटें आप मिल पाएंगी, कितने पे तैयारी आपकी है? ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हम 80 की 80 तैयारी करेंगे, अपनी हम अपनी तैयारी कर, संगठन के हिसाब से अपनी तैयारी पूरी करके चलेंगे। अब वो तय राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा कि कितना सीट पर हमको लड़ना और कितना सीट हमें नहीं लड़ना है। अच्छा, ये बात आपने हालांकि शुरुआत में की थी, लेकिन हम फिर भी जानना चाहते हैं आपसे कि क्या वास्तव में अमेठी से लड़ेंगे चुनाव राहुल गांधी? बिल्कुल, अमेठी की जनता चाह रही है। आप कभी वहाँ जाकर एक सर्वे कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आम आदमी वो वहाँ डिमांड कर रहा है कि राहुल जी हम लोगों के नेता हैं और नेता रहेंगे गांधी परिवार, क्योंकि गांधी परिवार 40 साल वहाँ पे सांसदी किया, कभी भी गांधी परिवार ने लोगों से झूठ नहीं बोला, कभी लोगों को बरगलाया नहीं, कभी नहीं कहा कि 13 रुपये किलो चीनी हम देंगे, हमको वोट दे दो हम 13 रुपये किलो चीनी देंगे, या कोई भी चीज़ कोई भी लालच की बात नहीं कही। आज सीधे सीधे स्मृति ईरानी ने क्या बोला, कहा ना कि भाई कमल का बटन दबाओ और 13 रुपये किलो चीनी ले लो, 13 रुपये किलो चीनी अमेठी की जनता को मिला। आप पूछ सकते हैं किसी जनता से, ये कभी भी कांग्रेस के परिवार के लोगों ने, गांधी परिवार ने कभी वहाँ झूठ नहीं बोला, परिवार समझा, घर समझा और उनके साथ हमेशा खड़े रहे। बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन कहाँ से लड़ेगा। मान लीजिए अमेठी से राहुल गांधी जी आ जाएंगे, सोनिया जी रायबरेली से ही चुनाव लड़ेंगी और प्रियंका जी फिर कहाँ जाएंगी?
अब देखिए वो तो उनको तय करना है कहाँ से वो लड़ना है कहाँ से नहीं, पर यूपी के लोग डिमांड चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि आदरणीय प्रियंका जी भी यहाँ से चुनाव लड़ें। खबर ये कि आप कुछ 5 सीटों पे कुछ सर्वे करवा रहे हैं क्या आप, कि जहाँ से प्रियंका जी चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसी कुछ 5 सीटें आपने चिन्हित? प्रियंका जी पूरे 80 में से 80 जहाँ से उनकी इच्छा हो, प्रदेश की प्रभारी हैं और निश्चित हम सबकी नेता हैं, जहाँ से उनकी इच्छा हो वहाँ से लड़ेंगे, पूरी कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता खड़ा रहेगा। नहीं ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ 5 सीटें आपने चिन्हित की जहाँ से वो जीत सकती हैं? नहीं, मेरी जानकारी में ये बात। उत्तर प्रदेश में जो इस तरीके के जो हालात बने हुए हैं, आप देख रहे हैं कि एक तरफ मायावती हैं, एक तरफ एनडीए का कुंबा, एक तरफ इंडिया, अलग अलग क्षेत्रीय हिसाब से भी समीकरण तय किए जा रहे हैं, जैसे कि ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद को अपना दल को साथ में लेकर के पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि अपने आप को फिर से वहाँ पर पूरी तरीके से स्थापित कर सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालांकि अभी उनके पास कोई ऐसा नहीं है, ऐसे में क्या कोई भविष्य में ऐसी भी कोई संभावना हो सकती है कि कांग्रेस अपने प्रभाव वाले इलाकों में या राष्ट्रीय लोकदल जो आपके गठबंधन का हिस्सा है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें चाहेगा? क्योंकि खबर ये भी कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सीटें चाहते हैं और पूर्वांचल में भी चाहते हैं, तो क्या ये माना जाए कि आप उत्तर प्रदेश के सभी हिस्सों में अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे, भले ही आपको 1 सीट मिले या 2 सीट मिले या 10 सीट मिले एक एक इलाकों में, या कहीं आप किसी एक क्षेत्र तक अपने आप को सीमित रखना चाहते हैं जहां आपको लगता है कि आप ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करें? देखिए हम संगठन के दृष्टिकोण से 80 की 80 सीट पर काम कर रहे हैं और 80 की 80 सीट की हमारी तैयारी है प्रदेश अध्यक्ष के उसके नाते, और मैं ये सीधे सीधे कह रहा हूँ हमारी पूरी तैयारी चल रही है। बाकी वो संगठन तय करेगा कि पूरब पश्चिम कहाँ, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि हमें कहाँ लड़ना है। हम सब लोगों की तैयारी प्रदेश स्तर की तैयारी 80 सीट की है। अच्छा, ये गठबंधन को लेकर कब तक उत्तर प्रदेश में स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन कहाँ कितनी सीटों पर लड़ेगा? क्योंकि मुझे लग रहा कि मुझे लगता है बहुत जल्द इस पर बातचीत करके, क्योंकि बैठकें 3 बैठकें हो चुकी हैं, बहुत जल्दी इस पर निर्णय आ जाएगा। अच्छा, इस बीच आपकी क्या अखिलेश यादव जी से या शिवपाल जी से या जयंत चौधरी से कोई बातचीत हुई आप लोगों की इस बीच में? कोई अब राष्ट्रीय नेतृत्व से बात हुई है मेरी कोई बात? तो हमारे साथ थे अजय राय जी, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के। उत्तर प्रदेश में लगातार कांग्रेस कोशिश कर रही है अपनी जड़ों को फिर से मजबूत करने के लिए, और संगठन को मजबूत करना एक बड़ा जिम्मा है जिसकी जिम्मेदारी अब अजय राय जी के हाथों में, और उसी के सहारे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस अपने वजूद को स्थापित करने की कोशिश करेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।